है भोला प्रसाद त्रिपाठी। आप ये सोच रहे होंगे कुछ देर पहले हम भाग क्यों रहे थे, तो साहब ये जानने के लिए तो आपको हमारे साथ लखनऊ आना पड़ेगा। ये है सुनीता, सरकारी बैंक में नौकरी करती है। एक लोन के सिलसिले में हम मिले थे, लोन तो पास हुआ ही, अब उसकी किश्त भी यही भरती है। दादी प्रणाम। भाई पत्नी जो है हमारी। राम जी उठाई लो। अरे कोई शिव जी का धनुष है जो उठाई लो। ये अमेरिका वाला बाम है हमारे पास, लगा देते हैं आराम हो जाएगा। दिखाइए। पानी। थैंक यू। अरे सुनीता। हाँ? रात के लिए क्या बनाया? मूड। सुनो ना, लवली ब्यूटी पार्लर में है ना 650 का बिल देके आए हैं, कुछ चेंज नहीं दिख रहा। दाढ़ी मुझ निकाल के आई है। हाँ? सेम टू सेम लग रही हैं आप, फजूल में पैसे वेस्ट कर दिए। चलो खाना परोसो। आज डिनर में हम हैं। देखो ये चुम्मा पप्पी तक ठीक है, लेकिन आज हमसे नाइट ड्यूटी नहीं होगी। अरे प्रोटेक्शन नहीं है हमारे पास। तो प्रोटेक्शन चाहिए भी नहीं, बच्चा करना है अब हमें। अरे बेरोजगार पति को काम के लिए उकसाना चाहिए, काम सूत्र के लिए नहीं। काम धंधा तो है नहीं, ऊपर से बच्चे पैदा करो। तो बच्चा पैदा करने का कोई किराया नहीं मांग रहे हैं हम। जिंदगी भर भी खाली बैठे रहो ना तो तुम्हारा और बच्चे का खर्चा उठा सकते हैं हम। अब मूड ना बिगाड़ो, आ जाओ ना। मूड बनाने के लिए मेरे पास कुछ है। तुम्हारे लिए अंगूठी लाए। सुनो ना, हमारी शादी को 3 साल हो गए, अब तो अपने जैसा एक छोटा सा भोला दे दो ना हमें। बच्चा क्यों, हम भी तो छोटे से, हमसे काम चला लीजिए। अच्छा हो गया तुम आ गई। वो देखो चौबीस जी की बेटी, कब से हमें लाइन मार रही है, हम उन्हें बहन मानते हैं। वो देखो हमें कैसी नजरों से देख रही है। ची, 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 ची। सच में भोलाई हैं आप, लड़कियां छेड़ती हैं हमारे भोलू को। अच्छा ये 15,000 लो, इस महीने का राशन भरवा देना और बाकी तुम्हारा जेब खर्च। अगर बनारस में हमारे 5 लाख नहीं अटके होते ना तो हम जोरू की कमाई को छूते भी नहीं। कमाई छूना नहीं चाहते, हमें छूना नहीं चाहते, चाहते क्या हो तुम? अच्छा सुनो, हमारे ताऊ जी आ रहे हैं, 11:30 बजे तक पहुंच जाएंगे। उन्हें लेने चारबाग स्टेशन पहुंच जाना प्लीज। अरे पर हमने तो कभी देखा नहीं है उनको, पहचानेंगे कैसे? देखे तो वो भी तुमको नहीं है। एक काम करो ना, तख्ते पर नाम लिख कर खड़े हो जाओ। चलो अब हमें देरी हो रही है बैंक के लिए, हम चलते हैं। अरे नाम क्या है? एम ए चौरसिया। क्या SMS कर दिए हैं? हाँ सुनीता बिटिया। हाँ ताऊ जी। अभी तक दामाद जी का तो कुछ पता लगा नहीं है। नहीं कोई आया तो है नहीं इधर। अच्छा सुनो, हम वैसे भी तुमसे कहने वाले थे बेटा, दामाद जी आ भी जाएंगे ना तो हम आ नहीं पाएंगे घर पे अभी। नहीं हमें बनारस जाना है, काम है उधर, तो वो पूरा करके आते हैं। भोला जी की तस्वीर भेज देते हैं, कम से कम उनसे मिलके जाना। हाँ 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 जरूर मिलेंगे बेटा, जरूर मिलेंगे। Thank you.
अबे यार दो सेकंड के लिए सांस छोड़ना। हट। अरे कोई तरीका बात करने का। चुप है। इधर बदतमीज लोग। अरे दामाजी, दामाजी, दामाजी। हटो हटो हटो। एक मिनट यार। अरे हटिएगा जरा। अरे हमारे दामाद जी हैं यार। अरे दामाद जी। मेरी जान, मिस कर रहे हैं तुमको, बड़ा वाला मिस। आस्था, I love you। बहुत प्यार करते हैं वो, है ना, बिल्कुल रोमियो जूलियट वाला प्यार। बस बस, मुंह में शहद लेके पैदा हुए थे का कि हर बार अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से मना लेते हो हमें। अच्छा एक बात बताओ, आपका फोन का है नहीं लगता? अरे फोन खराब हो गया हमारा। अच्छा पता है तुम्हें इस वक्त हमारे दिमाग में क्या चल रहा है? हमें हमारी शादी याद आ रही है, तुम जो माधुरी दीक्षित की तरह हमारी जिंदगी। हाँ हाँ, हम जानते हैं कि ये माधुरी दीक्षित जैसी नहीं लगती। हमारी मुलाकात इनसे हुई थी गन्ने के खेत में, फिर पता चला कि वो 100 एकड़ का खेत इनके पिताजी का है, तो बस शादी कर ली। बधाई हो, आप लोग पति पत्नी हुए। थैंक यू। फोन आ रहा है। आप बाहर गाड़ी में बैठिए, हम पैसे देते हैं और आते हैं, 2 मिनट। जल्दी आइए। जी जी। चल बे, बोर्ड चेंज कर, कोट बदल ले। हाँ बोलो। बोले मेरी जुत्ती। और बात तो ना मैंने करनी नहीं आपसे। आपने बस गायब रहो जो आपको गायब रहना है। अरे पूछो तो सही, हम कहाँ गए हैं? मैं नहीं पूछती, जाओ। तुम्हारा बुरा हुआ स्वेटर पहन के हम बनारस जा रहे हैं काम के लिए। मैं नहीं आने वाली इस बार आपकी बातों में। क्यों? है नहीं तो। अच्छा सुनो, किसी विसी का मन तो नहीं कर रहा ना? कर रहा है ना, तुम्हारे गालों पर और तुम्हारे होठों पर। डंकी मंकी कहेंगे। अरे भाई ठीक ही तो कह रही है, ऐसी लड़की से शादी तो कोई डंकी मंकी ही करेगा ना। तो हमने क्यों की? क्योंकि हमारा वेडिंग गिफ्ट था 32 कमरों वाली शानदार कोठी। ये कौन है पैंट का टका? तेरी सौतन का फोन है। आप जी बस रहन दो, बनते बड़े रणबीर कपूर हो, पर हालत ना अन्नू कपूर वाली है। पक्का किसी बिजनेस पार्टनर का फोन होगा। हाँ बोलो। अरे सुनीता तुम टेंशन क्यों ले रही हो? आ रहे हैं, बस बनारस पहुंचते ही फोन कर देंगे तुमको, ठीक है? आदमी है ये, अब हमें भी कुछ करना पड़ेगा। अरे कितनी बार बोला है चाय नहीं चाहिए? मैडम जी आप तो गर्मा गर्म कॉफी लीजिए। अच्छा। अरे क्या भैया, कॉफी कितनी ठंडी है, नहीं चाहिए। अब तो निकाल दिए, लेनी तो पड़ेगी। अरे कोई जबरदस्ती है क्या? कह दिया ना नहीं चाहिए। अच्छा ज्यादा बातें मत बनाइए, नहीं चाहिए मतलब नहीं चाहिए। अरे तो मैडम कोल्ड कॉफी समझ के ले लीजिए। क्यों बे, दुआएं बांट रहे हैं, लेनी पड़ेगी। निकलो यहाँ से, चलो भागो। देखिए आप फिकर मत कीजिए, ये अकेली खूब लड़की को देख के ऐसे ही परेशान करते हैं। अरे पेंट्री में एक एक कप का हिसाब देना पड़ता है, एक भी कप कम हुआ ना तो हमारी तनख्वाह से कटेगा। चले रख ले। हेलो, हाँ सुनीता बिटिया, हम ताऊ जी बोल रहे हैं। हाँ ताऊ जी। एक बात बताओ। हाँ? ये जो तुम्हारे पति हैं, ये आदमी किस टाइप के हैं भाई? क्या मतलब ताऊ जी? नहीं मतलब बेटा हमें कुछ ठीक नहीं लग रहा है, मामला कुछ गड़बड़ सा है। अरे नहीं नहीं कोई बात नहीं, आप ये कभी मत समझिएगा कि आप अकेली हैं। हाँ लेकिन वो, पर आपने पैसे क्यों दिए? क्या फर्क पड़ता है, एक इंसान को। ये रखिए, पैसे वापस आ गए। किसी औरत पे पैसे लौटाने का हक सिर्फ 2 लोगों का होता है, या तो उसके पति का या उसके प्रेमी का। अब बदकिस्मती से आप ये दोनों नहीं है, और हम ये दोनों हैं। साहब छुट्टे नहीं है। रख लो। और आपको कितनी बार कहा है ये बाहर का सड़ा गला अनाप शराब मत खाया करिए, हर बार आपकी तबीयत नासाज होती है साथ साथ में हमारा मूड, मत किया करिए ऐसा। दीजिए जरा। भाई साहब बिल्कुल ठीक ही कह रहे हैं। भाभी जी अब देखो बड़ी अजीब अजीब सी बातें हो रही हैं। एक तो देखो इनको पहुंचना था ट्रेन के टाइम पे, ये पहुंचे नहीं। उसके बाद ताऊ जी काम काजी आदमी है, वो किसी काम में व्यस्त होंगे। बना आदमी नहीं हीरा है आपके दामाद। आपकी तारीफ। जी मेरा नाम भो, राणा भोला प्रताप सिंह है। बनारस जा रहे हैं तो देखा कि
भाभी जी कुछ तकलीफ में है तो हम कुछ लोग परेशान कर रहे थे तो आ गए बस। हम आपकी इज्जत करते हैं लेकिन अपने पति के खिलाफ हम किसी की कोई बात नहीं सुन सकते, आपकी भी नहीं। देखो बिटिया, ये बात तो हमने शादी के वक्त भी पूछी थी कि काम काज करते क्या है तुम्हारे पति। 4-5 कपड़ों की मिल्स हैं, दुकानें हैं, छोटे मोटे ऐसे काफी काम हम करते हैं। ये जो ब्रिज आप देख रहे हैं इन सब के ठेके भी हमारे पास हैं। बस दो वक्त की रोटी, थोड़ा नाम, दो पैसे कमाने की कोशिश कर रहे हैं। मॉडेस्टी हो तो आप जैसी हो वैसे। हमारा नाम बद्री विशाल है। काम के मामले में तो बस हम कमाल ही करते हैं। इन मोहतरमा को खुश रखना बस यही रोजगार बचा है हमारे पास। बाकी बाप दादा इतना कुछ करके चले गए थे कि कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। ये हमारी शरीक हयात है, पायल नाम है इनका। नमस्ते। नमस्ते पायल जी। नमस्ते सर। नमस्कार, आइए। ये लीजिए। लाइए लाइए। चलिए, होती है मुलाकात आपसे। जरूर। नमस्ते। नमस्ते। चलो। भैया जी, अरे तुम तो हमें फॉलो करने वाले थे, कहाँ छूट गए? अरे छूट नहीं गए, रुक गए हम। अरे केस में नया ट्विस्ट आया है यार। अरे क्या कर रहे हो, सब किए कराए पे पानी फिर जाएगा। पानी नहीं फिर जाएगा, फिकर ना करें, एकदम पकड़ के ला के देंगे उसे सबूत के साथ, समझे क्या? अभी रखते हैं फोन। देख उधर, देख उसको। अरे यहाँ तो नहीं है, चलाओ। हाँ भाई, हेलो, कौन, क्या, किधर, निकलो बाहर, चलो। सुनो, बनारस छोड़ दोगे? नहीं छोड़ सकते भाई, गाड़ी लखनऊ जा रही है। देखो यार, मेरा बनारस पहुंचना बहुत जरूरी है, प्लीज बनारस पहुंचा दो यार, प्लीज। 10,000 रुपए लगेंगे। अरे यार थोड़ा ना, कुछ ना, ना। ठीक है, दे देता हूँ। हाँ मेरी जान, तुम ताऊजी से मिले क्या? अरे सुनीता, ताऊजी से मिलेंगे कैसे, मैसेज तो किया था ना कि हम बनारस जा रहे हैं। अच्छा, ताऊजी का भी फोन आया था, वो भी बनारस गए हैं। अरे ताऊजी का टेंशन मत लो, हम वापस आके उनसे मिल लेंगे, ठीक है? अपना ख्याल रखना। सड़ गया है आपका। हा? अपनों को भी शक की निगाह से देखने लगे हो। अरे अनाथ होके जब दादी के साथ थे तब ना उमड़ी है चिंता। देखो और जैसे ही हमारी गृहस्थी पसने लगी आग लगने लगी कलेजे में। अरे सटिया गए हो क्या? आ, 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 आ,
अरे अबे सटी आ गया क्या? ठीक से गाड़ी चला। सॉरी ओकिच, सोचने लग गए थे हम। सोच मत, रोड पे ध्यान दे। अबे तेरे पेट में चूहा मर गया है क्या? इतनी बांस मार रहा है, खिड़की खोल दे यार। नहीं, खिड़की नहीं खोल सकती। क्यों नहीं खोल सकती हैं? अरे नजला जुकाम है हमें। तो मैं क्या पीछे सूंघ सूंघ के मर जाऊं? अरे तो खिड़की खोली तो मैं मर जाऊंगा, तो बनारस कौन छोड़ के आएगा यार तुमको हैं? तो अबे तेरी, किसी के पीछे का दरवाजा इतना बोलता है क्या? गाड़ी रोक, तू रोक गाड़ी। तेरे चूहे खा के साले पेट में मरे हुए, तेरे खाता क्या तू? कौन है बे? चंदा। अबे आधी रात को किस बात का चंदा? अबे मांग नहीं रहे बोल रहे हैं। चंदा यादव। इनसे मिलिए, ये है हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल। साला भूल कर भी हमें भूलने नहीं देती। अरे तूने क्या सिम कार्ड की दुकान खरीद रखी है? नंबर बदल बदल के धमकी देती रहती है मुझको। हमारा कोई नंबर वंबर नहीं बदला, तुम बदल गए हो। और ये ना तुमको ऐसा भारी पड़ने वाला है, क्योंकि तुमको अंदाजा नहीं है, अब अगर हमारे शादी का बैंड नहीं बजाना तो हमारा जो भाई है ना दुलारे, वो तुम्हारी मौत। आ रहे चंदा, आवाज नहीं आ रही है। हेलो, कनेक्शन खराब है। हेलो, अरे ओ शीतला देवी नीचे आ जा, आवाज क्यों आनी बंद हो गई? अरे तू क्या सोच रहा भाई? इसकी बहन का लिपस्टिक बिगाड़ो यार। अरे ये तो जम गया बे, मैं तो कहता हूँ तंदूर में डाल दो, एकदम गर्म हो जाएगा। अबे दिमाग खराब हो गया क्या तुम लोगों का? कोई डॉक्टर नहीं है यहाँ पर? कोई डॉक्टर नहीं, डॉक्टर नहीं है। कलकत्ता।
का पत्ता। बहुत सही गत, बहुत सही। गुरु गाते तुम भी बहुत सही। डिमांड दिल्ली कलकत्ता। दिल्ली सुनो यार, यार गुरु सुनो, सीरियस नोट पर जो बताओ हमको अपने बारे में कुछ बताओ ना यार। बनारस, बनारस नहीं, बनारस तो मैं समझा, लेकिन गुरु अपने बारे में भी तो कुछ बताओ। क्या करते हो, कहाँ से आए हो, कहाँ जा रहे हो? बनारस नहीं, वो मैं समझ गया तुम बनारस जा रहे हो, पर मतलब नहीं, अपने बारे में भी तो कुछ बताओ ना गुरु, कि मतलब शादीशुदा हो, बीवी बच्चे हैं कि नहीं है, कहाँ रहते हो? और बनारस रहते हैं। अब मैं समझ गया गुरु, तुम्हारा घर भी बनारस में, तुम जा भी बनारस रहे हो। कमाल है, कमाल है। जा भी रहा हूँ वही, घर भी वही बनारस। बनारस में कहाँ जा रहे हो ये तो बताना पड़ेगा ना। बनारस जा रहे हैं। यार अजीब बात किस्म के आदमी हो यार तुम। पहुंच दे, उठा देना यार बनारस। हाँ, 1,500 की दारू पी गया, एक लफ्ज नहीं उगला मुंह से। मतलब यार किसके खाए पिए खिसके? मैं तुम्हारा एहसान है ना, जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। अबे 10,000 रुपए तो देते जाओ। वही एहसान की तो बात कर रहा हूँ, कमाल करते हो। डिमांड करे शादा, हमारा फोन किधर है? हमसे क्या पूछ रहे हो? कल रात जहाँ दारू गटक के आए थे वहीं जाके ढूंढो। अब गलती तो तुम्हारी है ना, 24 घंटे हमारे दिमाग में रहती हो। देखा, बैग भी खो दिया और फोन भी खो दिया। कसम से, इतनी चिंता तो अगर हम खो जाते ना तब न होती तुम्हें। फोन गवाया, बैग गवाया, एक दिन हमें भी गवा दोगे, बता रहे तुम्हें। मेरी चक्कू तमंचा, गुस्से में ना शिमला का सेब लगती है, लाल लाल। सवेरे सवेरे लगे बल बलाने, रात को तो पीट करके सो गए थे। हाँ, थके हारे आए थे, कोई बैल थोड़ी जो आते ही चारा खाना शुरू कर दे। भाग, अरे कुछ भी बोलते हो। चलो जाओ, मंजन मंजन कर लो, हम चाय बनाते हैं। फोन कहाँ रख दिया मैंने? ये लीजिए, ये रहा उसका फोन। तो अरे चेक करवाइए ना, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। 2 साल हो गए शादी को, सुन रहे हो? क्या? सारे रिश्तेदार शिकायत कर रहे हैं, अभी तक किसी को मिले ही नहीं हो, अभी भी नए दामाद बने घूम रहे हो। अरे पुरानी तो तुम भी नहीं लगती हो, अभी भी नई नई ताजी ताजी लगती हो। और कभी पुराने होंगे भी नहीं, समझे? हाँ। सुनो ना, वो हमारे 10 लाख के टेंडर के लिए जो 30,000 का इंतजाम करना था वो हो गया। हे राम,
क्या दाल वाले डब्बे में रखे हैं? और हाँ, ऊपर से 5,000 रुपए ले लेना नए फोन के लिए। क्या बात है। तुम्हारे लिए गिफ्ट लाए। हाँ एक बात कहें, तुम है ना हमको बड़ी हॉट लगती हो। धन, अभी ये सब नहीं, चलो अभी बड़े काम है, राशन लेके आना है। ओफो, अभी नहीं, बड़े काम है, राशन भी लेने जाने, चलो। राशन? हम तो दुशासन वाले मूड में हैं। हाँ, एक राउंड शीर हरण का हो जाए। बड़े बदमाश हो, अभी बड़े काम है, चलो जल्दी राशन। नहीं 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 नहीं, हे कान्हा, मुझे इस दुष्ट दुशासन से बचा लो। नहीं, चल रहा है ये क्या? अरे कौन है ये? कौन? अरे हम पूछते हैं, ये कौन है? कौन कौन है? शर्ट देना जरा। बेशरम आदमी, अरे रंगे हाथों पकड़े गए हो, अब भी कुछ बोलोगे कि नहीं? अरे जवान ना काट लेंगे तुम्हारी, हिम्मत कैसे हुई हमारे पति से इस तरह से बात करने की? तुम इसके पति हो? हाँ। तो हम कौन है? मेंटल हो? चलो निकलो यहाँ से, वरना देंगे उल्टे हाथ का खींच के। ये हमारी अंगूठी है, भोला जी ने हमें दी थी। चलो निकालो इसे। छोड़ हमारी अंगूठी। एक अंगूठी के लिए तुम लोग झगड़ा कर रहे हो, शर्म आनी चाहिए। फेंक दूंगा इस अंगूठी को मैं कहीं। सुनो श्रद्धा, ये सुनीता है, सुनीता ये श्रद्धा है, श्रद्धा सुनीता हमारी पत्नी है, और सुनीता हम श्रद्धा के पति। हाँ। सिंपल। समझी? खाक समझी। अरे ये हम दोनों के पति हैं। हद है, पत्नी है, कोई बीमा पॉलिसी नहीं कि दो चार रख ली। अरे पत्नी तो एक ही होती है, और वो हम है ना जी, है ना? देखिए हमसे गलती हो गई, क्या क्या हम आपको बताने ही वाले थे, लेकिन परिस्थितियाँ कुछ ऐसी हो गई कि हम बता नहीं सके। कैसी परिस्थितियाँ? चुप कर, आप बस ये बताइए कि हम में से आपकी असली पत्नी कौन है, और कौन सी परिस्थिति वश हुई भूल? भूल तो तुम ही होगी, शक्ल देखिए अपनी। हाँ हाँ, हम भूल है ना, तुम क्या कर रहे हैं आप लोग, क्या कर रहे हैं? बात तो समझा कीजिए आप लोग, बैठ के बात करते हैं। एम्बुलेंस की आवाज है या पुलिस का सायरन है? पुलिस की गाड़ी का सायरन है, हम बुलाए हैं। पुलिस? तुमने पुलिस बुला ली? हाँ। तुम अपने प्यार की दुहाई देने वाली, तुमने मेरे लिए पुलिस बुला ली? एक बार डिस्कस तो कर लेते। ठीक है, गलती की है तो सजा के हकदार भी है। आओ भाई, वे उधर ऊपर। पुलिस गिरफ्तार करेगी, जेल होगी, बदनामी होगी, वो तो हम सहन नहीं कर पाएंगे ना, जहर खा के मर जाएंगे हम। जा रहे हैं। नहीं रुकिए, हम समझा देंगे पुलिस को। यही वाला घर है। कोई फायदा नहीं सुनीता, अब बहुत देर हो चुकी है। नहीं, आप एक काम करो ना, आप अंदर जाकर छुप जाइए,
हम दोनों मिलकर संभाल लेंगे। जी जी एकदम सही कह रही, आप एक काम करो पीछे वाले बगीचे में जाके छुप जाओ। जिज्जी जिज्जी होंगी तुम, अरे उम्र में तो हम तुमसे कम ही होंगे। हाय हाय डेट ऑफ बर्थ बताओ तो जाने। हाँ हाँ तुम बताओ ना, फिर हम बताते हैं हमारी डेट ऑफ बर्थ। अरे सुनो क्या 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 है ये, तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे, अभी तक चलो जाओ। अरे भागो, जा रहा हूँ जा रहा हूँ। कहिए। अरे वो सीआर अंदर ही बैठा होगा, चल के गिरफ्तार करिए। बिटिया घबराओ नहीं, हम तुम्हें बचाने के लिए आ गए हैं। बचाने नहीं बर्बाद करने आए हैं ये शनिचर। आपकी तारीफ। ये हम सुनीता हैं, भोला जी की इकलौती पत्नी। ये भतीजी है साहब मेरी। जी ये हमारे ताऊ जी हैं, पर पागल हैं, दो बार पागल खाने से भाग चुके हैं। अरे हमें फोन करके बोले कि हमारे राम सरी के भोला जी धोखेबाज हैं, दूसरा ब्याह रचा रहे हैं वो, और हम भी कितने मूर्ख हैं कि इनकी बातों में फंसकर यहाँ आ गए, और इन्हीं के घर में आकर इन्हीं से ना जाने क्या क्या बोल बैठे। हमें माफ कर दीजिए जीजी, हमसे भूल। इसका दिमाग खराब हो गया, मैं बता रहा हूँ आपको। अच्छा पूछिए इससे कहाँ पर इस वक्त भोला जी? घर पर है। अरे सुबह से हमें फोन करके पूछ रहे हैं कि सरिता तुम रात भर से कहाँ गायब हो, अब हम क्या बताएं उन्हें कि हम रात भर से कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं। हम समझाएंगे भोला जी को, हमारी बात बिल्कुल नहीं टालेंगे। चलो चलो रोते नहीं, चलो चलो तुम अंदर चलो। देखिए मेरी बात सुनिए, मैं क्या कह रहा हूँ, देखो बिटिया इधर आओ, गुलाब जामुन इधर आओ। क्या नाटक बजी है सब? अरे इंस्पेक्टर साहब मैं बता रहा हूँ ये लड़की पागल हो गई अपने पति के प्यार में। देखिए हमारे पास सबूत है, वो मोबाइल हमने पकड़ा था ना कल रात को उसका, आप उसका नंबर चेक कराइए, सारी असलियत सामने आ जाएगी। चेक करवाया था भस्मासुर, वो किसी चुन्नी लाल के नाम पे है। ये झूठ है, झूठ है। अब तो हमें को झूठा साबित कर रहे हो? नहीं तू लप्पड़ मारेंगे ना तुमको, तुम्हारा 32वीं बार आ जाएगा। एक तो तुम ऑफिशियल पागल नहीं होते ना, तुम्हें जेल में ले जाता और तुम्हें लाल कर देता। मोटे क्षेत्रफल देखो, अपना क्षेत्रफल देखो, बुद्धि चिरौंजी माथे तुम्हारे पास, पगला साला अबे अकेले मत टहला कर तू। चलो ए ठीक है बेटा, तुम ढाक ढाक हम पात पात, अब ना छोड़ेंगे तुझे। भोला जी कहाँ चले गए आप? भोला जी बाहर आइए ना, सच्ची सब चले गए हैं। कहती है जिंदगी, बड़े सही वक्त में मिलते हो यार तुम, जरा हाईवे तक छोड़ दो मुझे। हम तो छोड़ देंगे तुम्हें पर पुलिस दल लेगी बेटा, क्या पूरे शहर में ढुंढाई हो रही है ना तुम्हारी। तुम हो कौन बे? शरीफ आदमी है, आज तक शराफत की ड्राइवरी कर रहे थे, दुनिया साली पंचर पे पंचर की है जा रही थी, फिर तुमसे मिले तो समझ में आया जिंदगी तुम्हारी जैसी होनी चाहिए, मतलब भोला जी पा दें और लोग झुक झुक के कहें वाह शहजादे वाह। क्या चाहिए? तुम्हारा साथ चाहिए गुरु, चेला बना लो हमें अपना, तुम्हारी सोहबत में दो चार चीजें सीख जाएंगे, चार पैसे बन जाएंगे सो अलग। तो तुम चाहते हो मैं गले में घंटी बांध लूं? घंटी नहीं है गुरु, हम चमत्कारी मणि हैं, तुम्हें पहले भी बचाया था, अब भी बचा रहे हैं और आगे भी मददगारी साबित होंगे। सोच लो गुरु, बहुत कमाल के आदमी हैं हम। तुम साले आदमी तो बहुत ही गलत लगते हो, पर यही सही बात है तुम्हारी। एक बार बनारस से निकल लें, फिर तुम्हें कब निकाल के फेंकेंगे सूंघ भी नहीं पाओगे। गुरु आज से लग गया तुम्हारी राशि में 7.5। अकलों के
को पीछे छोड़े शक्लों से लगते हैं ये भोले पर हैं ये दम के गोले हाँ, करते हैं सीना सोरी लूटे ये दिल की तिजोरी करे खराबी और मिल जा भी खोल दे ये ताला मशहूर है सूरे आला है इनका स्टाइल निराला ये बाप वीर बल के हैं जीजे को मना दे साला मशहूर है सूरे आला है इनका स्टाइल निराला ये बाप लोग लिख के हैं आई कार्ड गले में डाला जी भैया जी हाँ अरे आप ही का काम कर रहा हूँ अरे चिंता ना करे पकड़वा दूंगा रंगे हाथ पकड़वाऊंगा छुरी माँ का मिलते ही एक दूजे की जेब ये काटे फूल हाथों में महक बातों में फिर भी बोते हैं एक दूजे की राह में काटे एक फन खा दूसरा कस्तूरी तिल कमललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम नासाग्रीवर मौक्तिकं करतले वेणुपरे कंकणं सर्वांगे हरिचंदनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते कुर्यात् सदा मंगलम् कन्या की मांग में सिंदूर भरिए अखंड सौभाग्यवती भव आयुष्यवती भव हो गया भैया सब कुछ ठीक हो गया सब कुछ ठीक हो गया जय हो जय हो तुलारे भैया जीजा जी मुबारक हो अबे तुमको भी काजल जी ऑफ कोर्स हैं जी आई इलो बनारस वाले घर की चाबी हमारी तरफ से शादी का एक गिफ्ट जी जी जरा उधर देखो जी ऐसे बात कर रहे वो जो लखनऊ और जौनपुर स्टेशन पे गोलियन की आवाज सुनी थी ना वो डिस्काउंट वाले वो सिर्फ तुमको ताड़ने के लिए तुम्हारी फाड़ने के लिए थी साले है तुमरे माफ कर दो लेकिन एक बात कान खोल कर सुन लो जीजा एक दफा और हमारी बहन को छोड़ने का सोचा भी ना तुम्हारी दुनिया छोड़वा देंगे हम समझे जी जी देख रहे हैं चलो मुस्कुराओ मुस्कुरा जल्दी शाबाश चलो पाँव पड़ते जीते रहो चलो भैया चलो रे कोई पीछे दिखाई दे रहा है नहीं नहीं अरे जरा तेज गाड़ी दौड़ाइए ना हाँ। हम बहुत उत्सुक हैं बनारस जाने के लिए हमारे प्यारे सैया के साथ हमारी नई जिंदगी शुरू करने के लिए पता है हम ना हमारे घर को इतना सजाएंगे इतना सजाएंगे इतना सजाएंगे कि देखते ही आपकी डेथ हो जाएगी पता है एक रूम को ना हम हरे रंग का करेंगे एक को पीला एक को नीला और एक को बैंगनी बैंगनी हाँ तो क्या हुआ बैंगन खाने में अच्छा नहीं होता लेकिन दिखने में तो रंग फर्स्ट क्लास है ना है कि नहीं हम ना पर्दे सोने के लगाएंगे और बिस्तर चांदी का ताकि हर रात जब आप बिस्तर पर लेटे तो आपकी चांदी हो जाए अच्छा मुराद
अरे भैया आप कहाँ रहेंगे? इनको ना हम बाहर वाली गौशाला को गेस्ट हाउस बना देंगे, इनको वही ठहरा देंगे। अच्छा मुरारी भैया आपकी शादी हो गई है? नहीं हुई है तो करवा देंगे। हो गई है तो क्या हुआ, दोबारा करवा देंगे है ना? ये मैंने क्या कह दिया, दोबारा कोई शादी थोड़े ना करता है। नहीं करता ना। अच्छा दोबारा शादी से याद आई, दुलारे भैया आपसे कह रहे थे ना कि वो आपको गोली से उड़ा देंगे अगर आपने दोबारा शादी की तो। मैंने कहा ऐसे कैसे उड़ा देंगे, हैं? मर्द किसके है? मेरे। आदमी किसके है? पति किसके है? मेरे। गोली तो मैं ही मारूंगी। देखिए अगर आप मुझे छोड़कर जाएंगे ना तो मैं आपके पीछे वाले में 3 गोली मार दूंगी और दे धनादन दे धनादन दे धनादन आपको बहुत बहुत मारूंगी, है ना? मुरारी जरा गाड़ी रोक दो। क्या हुआ, कहाँ जा रहे? सुसु आई होगी। क्या देख रहा है? ये बुक देने मेरे को। नहीं मैं नहीं दूंगा, मैं पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनूंगा और देश की सेवा करूंगा। 50 रुपया दूंगा तेरे को बुक के लिए। इधर लो, देश की सेवा करेगा 100 रुपए तो बिक गया। अंकल अंकल मेरी भी ले लीजिए ना। चुप। अरे आपकी कोट का है? मुझे गर्मी लग रही थी मैंने उतार दिया। और ये किताब? सोच रहे पढ़ लिख के देश की सेवा करें। हाय। अच्छा सुनिए, आपने कहा था ना आप मेरे लिए गिफ्ट लाएं, चीजें ना। उंगली। बड़ी अच्छी लग रही तुम्हारी उंगली। बहुत प्यारी है। कितनी प्यारी। बुरा रही। वंस मोर गाड़ी रोक दे यार। बड़ी खूबसूरत लग रही हो तुम। तुम्हारी फोटो खींचते। हाँ ये पोज बहुत बढ़िया है। तो थोड़ा थोड़ा पीछे जाइए। थोड़ा सा। हाँ। थोड़ा और पीछे जाना। थोड़ा। थोड़ा पीछे। गाड़ी गाड़ी से ले रहे हैं हम। वहीं पे रहिएगा। अरे इसकी बहन का लिपस्टिक बिगाड़ो यार। हमारी तो किस्मत ही ना गधी की ऊ से लिखी गई है। तुम्हारे साथ इसलिए हुए थे कि 2-4 पैसे मिल जाएंगे यार। न माया मिली न राम, लेने के देने और पड़ गए। और तुम कमाल के ऊ तो यार। भैया जी ने अच्छी वाली चाबी दी थी घर की। अरे 15-20 लाख में बिक जाता घर, है? 2-4 लाख हमारे भी पल्ले पड़ते। तुम लौंडिया को छोड़ के बगली है यार। अरे मुरारी यार तुम्हारी है ना बुद्धि मोटी है और बुद्धि छोटी है। अरे हम करोड़ों का सोच रहे हो, तुम साले लाखों में अटके हो। ये सही है, आँख के अंधे और नाम नैन सुख। कहाँ से आएंगे बे करोड़ों? करोड़ों लेके आएंगे। ये रहे करोड़ों। इलाहाबाद की माला दूबे को 2 करोड़ की लॉटरी लगी। गुरु ये तुम्हारा नया जुगाड़ है क्या? अरे नया जुगाड़ नहीं, पुरानी जोरू है हमारी। और ये है ना हमारी भी गुरु निकली। कैसे? एक दिन हम पी पा के टाइट साले घर पहुंचे। मैडम हो गई प्रेग्नेंट और हम हो गए मिस्टर इंडिया गायब। तो मतलब तुम भाग गए? भाग गए। अरे तो भाग गए तो वापस कैसे जाओगे यार? देखो मैं अभी अभी पिटते पिटते बचाऊं, दोबारा किस्मत साथ नहीं देने वाली गुरु। अरे यार गुरु मानते हो ना तो बात भी मान लो, टेंशन मत लो, सब कुछ ठीक है मुरारी, सब ठीक है। अरे क्या कर रहे हो बे? जिज्जा है हमरे, कॉलर छोड़ो इनका। जे नहीं है पाँव में तेल है का जीजा? बहुत भागते हो यार और बहुत भगाते हो।
तो फिर करना क्या है भैया जी? करना क्या है? सुताई करो उनके मित्र की अच्छे से। मेरी मेरी क्यों भैया जी, हमने तो कुछ किया भी नहीं है। उदाहरण के लिए, फॉर एग्जाम्पल, मारो उसको। अरे अबे धर, अरे एक मिनट रुक जा, अरे मार डाला। अरे अरे सर, धीरे धीरे, बस 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 बस। अरे सुन ले भैया, कुछ कह रहे, रुक जा दो मिनट यार। बोली की भाषा तो तुम्हें समझ में आती नहीं, कोली की सही। ओके टाटा बाय बाय। चिक्का कहा है जीजी? इन्हें रोकने आए थे या इनकी सांसें रोकने? हम अरे लेकिन वो ई पति पत्नी का मैटर है, तुम सब गेट लॉस्ट हो लो। अरे फर्जी आदमी, कहा ना गेट लॉस्ट हो लो। अरे यार आधे तो हम आप ही के मारे परेशान है। ला, प्रेमिका नहीं, पत्नी नहीं, गधेया बन गए तुम्हारे प्यार में। जी करता है कि अभी सारी गोली दागकर विधवा बन जाए। क्या करे, बन जाए विधवा? हाँ तुम मार दो हमें, तुम गोली मारी दो हमें, ऐसी जिंदगी से तो मर जाना ही अच्छा है। तुम्हारे भाई के एहसान और उनकी बंदूक की नोक के नीचे हम जिंदा नहीं रह सकते, हम जी नहीं सकते ऐसे। अरे प्यार करते हैं तुमसे, सच्चा प्यार करते हैं, इसलिए मुंह छुपा के भाग गए। थोड़ा वक्त चाहिए था, सोचा अपने पैरों पे खड़े होके फिर लौट आएंगे हमारी चंदा के पास। भरोसे लायक कोई काम तो किए नहीं हो तुम। फिर भी कितना वक्त चाहिए? गवर्नमेंट के टेंडर का मामला है और साले घूस भी इतना मांग रहे हैं हमसे, कुछ कह नहीं सकते। जैसे ही थोड़े पैसे जमा हो जाएंगे हम झट से कागज कार्रवाई करके फट से तुम्हारे पास चले आएंगे। कितने चाहिए? वो तो लाख सवा लाख से काम चला लेंगे। दुलारे 2 लाख देना। अरे जीजी हम कहां से दे रहे हैं? एटीएम थोड़ी ना है। अब रुको एक मिनट, इतना ही है बस हमारे पास। भैया जी औरों के पास भी कुछ होंगे, वो भी देख लो। अगर दीदी बोल रही है तो दे दो बे, निकालो बे। थोड़े कम है, इतने पैसों में शायद 2-4 महीने और लग जाए, बट हम मैनेज कर सकते हैं। ओ, थैंक यू। 15 दिन, 15 दिन का समय दे रहे तुम्हें, अपना सारा काम निपटाकर हमारे साथ गृहस्थी बसा लो, वरना हम खुद ही सब कुछ उजाड़ देंगे। ठीक है, 15 दिन। मैं गाड़ी निकालूं। हम जाएं? सबूत क्या है मैडम आपके पास? आपके साथ फेरे लिए और क्या सबूत चाहिए? और ये देखिए मंगलसूत्र है हमारे गले में, पक्का सबूत। मंगलसूत्र साथ तेरे? नॉनसेंस, कोई कहने से किसी को थोड़ी ना कर लेंगे गिरफ्तार। बताइए। अच्छा भला उसी दिन गिरफ्तार हो जाते, हमारी अक्कल पे पत्थर पड़े थे जो उनके झांसे में आ गए। गधे के सींग जैसे गायब हुआ है। हाँ। अब तो फोन भी नहीं उठा रहा। हेलो, हाँ बोलो दुर्गालाल। अरे यार भतीजी आई थी तुम्हारी, यार सारा पुल फट्टी खोला उसने बोला के खिलाफ। हाँ तो जब हमने समझाई थी तब नहीं समझ में आ रही थी बात तुम्हारे। अरे यार अब जो हो गया सो हो गया, छोड़ो। तुम्हारे साथी तो है, अब पकड़ते हैं साले को, सबूत तो सब मिल ही गया है। नहीं सुनो दुर्गालाल, तुम कुछ नहीं करोगे, समझ गए? ये बहुत धूर्त आदमी है, ऐसे हाथ में नहीं आएगा। अब जो करना हम खुद करेंगे। तुम एक काम करो, तुम तैयार रहो, हम तीर चलाएंगे तुम शिकार उठाना। चलो रखते अभी। हाँ हाँ बेटा, 2 करोड़ तो क्या, 2 कानी घोड़े नहीं लेने देंगे तुम्हें। चलो चलो। हे भाई
अंदर बोलने वाला क्या है ये तो बता दे। सोच रहा हूँ। सोच रहा है? अबे मेरी हालत देखी है, पहले सोच ले फिर दरवाजा खटखटा, मैं बता रहा हूँ। अरे तू हट जा मेरे सामने, समझते कहाँ घुसे जाना है, दरक के कीड़े मारो मारो। अरे सत्यानाशी भगोड़े, तू कहाँ लेने आए यहाँ? माँ जी माँ जी, मैं क्या बोल रहा हूँ, जरा बात कर लेने से। पूरे 150 साल, 2 महीने और 21 दिन तुम्हारा पति लापता था और तुम यहां पे ऐश कर रही हो। एक बार भी हमें खोजने की कोशिश की? हम कहां हैं, जिंदा है या मर गए, ये सोचा? क्यों पहुंच नहीं पाई तुम हमारे अस्पताल तक? अस्पताल? हाँ, हमारा एक्सीडेंट हो गया था। बच्चे की खबर सुनकर हम इतने खुश हो गए कि बस तुम्हारे पास आना चाहते थे। हमने तुम्हारे लिए एक अंगूठी ली थी। अरे इसकी बहन का लिपस्टिक बिगाड़ हो यार। भैया क्या किए? अरे कुछ नहीं, वो कल थोड़ा दिखाइए। अरे ये वो असल में चोट लग गई थी कल। एक मिनट रुकिए, थोड़ा तो ऊपर देखिए। अरे देखिए ना ऊपर। अरे चलेगा नहीं, आप तो हमको भी डरा देते हैं। बस हो गया, थैंक यू, शुक्रिया। अरे ये क्या कर रही हैं आप? बड़े भैया का पैर नहीं छुएंगे तो किसका छुएंगे? हम बड़े भैया थोड़े ना आपके, हम तो हमारे लिए तो आप बड़े भैया ही हुए। अरे बड़ा प्यारा बच्चा, क्या नाम, क्या इसका बता दो, नाम बताओ। मुन्ना बुलाते हैं इसको। मुन्ना बेटा मामा के पास जाओ। नहीं अरे लीजिए ना। ओ जाओ जाओ ले मुन्ना। बड़ा बड़ा प्यारा आ गया। आप बैठिए, हम आपके लिए चाय लेकर आते हैं। अच्छा तुम मामा के पास, ठीक है? सुनिए कौन से सोच में डूबे हो? तुम दोनों के बारे में सोच रहा हूं। तुमको पाल नहीं सकता, बेटे की परवरिश नहीं कर सकता। मर जाना चाहिए था मुझे एक्सीडेंट में। कैसी बात करते हो, मरे तुम्हारे दुश्मन। इतने दिनों बाद पूरा परिवार एक हुआ है, कितने खुश हैं। कारोबार के बारे में सोचने के बजाय इस खुशी के बारे में सोचना चाहिए। हम तो ऐसी खुशी पे करोड़ों वार दें। फूटी कौड़ी नहीं है, करोड़ों वार दें। अभी आते हैं। अरे कहाँ जा रही हो? आते हैं। ये क्या है? खोलो इसे। अब अरे खोलो ना। खोल रहे हैं भाई, खोल रहे हैं। भाई हाँ, इतने पैसे। माला देखो, अगर तुमने कुछ गलत किया तो बता दो, हम माफ कर देंगे। पागल हो गए हो क्या? अरे हमारी लॉटरी लगी है। लॉटरी? ए बेटा सुसु कर रहा है। लॉटरी लगती है? अरे पूरे 2 करोड़ की। यकीन नहीं आ रहा ना, चुके देखो। तो देख के डर लग रहा है। अरे तेरी बहन के लिपस्टिक बिगाड़ू। अरे क्या कर दिया ये? एक मिनट आ रहे भैया। अरे भैया क्या कर दिया तुम, मामा जी को पवित्र कर दिया तुम। पूरी कमीज खराब करके रख दी इसने। अच्छा कमीज उतारिए, लाइए लाइए, मिस्त्री कर देते हैं। नहीं आप एक काम करिए, ये सुनिए, ये नहीं नहीं, ये भोला जी का बड़ा जरूरी कागज है, आप इसको इस्त्री कर दीजिएगा। हाँ
अरे यार ये बच्चे ने शर्ट पे मुंह दिया हमारे। अरे मुरारी शर्ट छोड़, तेरे लिए अब सूट बनवाऊंगा मैं। अरे देख पार्टनर, देख क्या है, मेरे ख्याल से आइडिया अच्छा नहीं है। 2 करोड़ रुपए छोटी मोटी रकम नहीं है, फंस जाएंगे हम लोग, पुलिस पकड़ेगी, बहुत सूटेगी। मुरारी मुरारी सुन, कल मैं यहां से फूर हो जाऊंगा विदेश। डर मत। भैया और नहीं भाग सकता मैं। मास के लोथड़े, एक काम ठीक से नहीं था तुम्हारे से। वो पेपर कैसे गया उसके पास? अरे यार हमने जेब में रखा हुआ था यार, सब ठीक ठाक था, तुम्हारे लौंडे ने मुंह फेर दिया। हम क्या करें? 2 करोड़ का नुकसान हुआ मेरा। अरे तो भाई फ्रॉड बाजी की दुनिया में अभी नए है यार, अबे कच्चे नींबू है भाई, मेरी बात सुन। 2 मिर्ची लटका ले और किसी ट्रक के आगे लटक जा। नुकसान कर दिया मेरा। लटक तो जाएंगे गुरु, पर ट्रक के आगे नहीं, तुम्हारे गले में। अबे मुरारी, तू क्या है ना, देखो हम जहां जाते हैं तुम्हारे चक्कर में पिट जाते हैं, तो इसलिए भेष बदल के आए हैं ताकि भागना पड़े तो कोई पहचानेगा नहीं। हैं? पिटते तो हम भी रहते हैं। Come on.
खोला। पारो पारो पैसे लौटा देंगे यार तुम्हारे। पैसे? हमने पैसे कब मांगे? नहीं, नाम तक तो याद नहीं है आपको, भूल गए ना अपनी चांदनी को। अच्छा, मैंने तो पारो इसलिए कहा क्योंकि मैं देवदास, तुम पारो। अच्छा, मैं कैसे भूल सकता हूँ अपनी चांदनी को? कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा तुमको पता है? किसी को नहीं छोड़ा मैंने, हर शहर, चलो ना, हर गली, हर साइट, हर ऐप, पूरा इंटरनेट छान मारा मैंने, तुम फेसबुक पे क्यों नहीं हो? हूँ ना। सच्ची? फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी? आपको कुछ करने के लिए रिक्वेस्ट की जरूरत है क्या? इंस्टाग्राम पे फॉलो करें? कर दीजिए बोला जी। ट्विटर? कर दीजिए बोला जी। स्नैपचैट? कर दीजिए। टिंडर? कर दीजिए। फ्लिपकार्ट? कर दीजिए। बिग बाजार? कर दीजिए। ओएलएक्स? कर दीजिए। मेक माय ट्रिप? कर दीजिए। मेक माय ट्रिप? कर दीजिए। मेक माय ट्रिप? कर दीजिए। क्या चल रहा है? अबे कौन है पितू? पति हूं इसका। सॉरी सॉरी, इन्होंने बताया नहीं वरना मैं तो। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने गैर मर्द को देखने की? और गैर मर्द मुझे नाचते हुए देखे वो ठीक है? ये पहना के नचवाते हैं वो मुझे। छी छी छी, चांदनी को अपने बार में नचवाते हो, छी चीप। अरे तुम देख क्या रहे हो, पकड़ो इन्हें। अरे एक मिनट एक मिनट एक मिनट, अरे भाई साहब किस खुशी में है? अबे कौन हो तुम? ये हमारे वकील हैं, बहुत बड़े लायर। सात श्री अकाल जी। आहा, अब बताओ किस खुशी में भाई, किस केस में? एडल्टरी के केस में, दफा 497। ओ भाई हवलदार, तुझे इतना नहीं मालूम 497 सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिए, समझा नहीं? अंडर सेक्शन ABC। भाई साहब सुनिए, एडल्ट्री जो अब क्राइम नहीं है, अगर दोनों की मर्जी हो तो। मेरी मर्जी थी। वाह, इन्होंने नहीं, मैंने इनको छुआ। जीती रहो बेटी। वाह वाह वाह, अब तू देखना मैं तेरे साथ क्या करता हूं, सड़क पे लाके रख दूंगा तुझे। तू जानती है ना सारी प्रॉपर्टी सारे पैसे मेरे नाम है, फूटी फूटी कौड़ी के लिए तरसा दूंगा तुझे। भाई उनको तरसना है, समझे नहीं? पैसे थोड़ी ना चाहिए उनको, हैं जी? उनको तो भोला जी चाहिए। हाँ। वो भोला जी के साथ चली जाएंगी। हाँ। उनसे शादी कर लेंगी। करेक्ट। दो जोड़े कपड़ों में जाएंगी। हाँ। एक तो पहन रखा है, दूसरा हम दे हाँ। देंगे ज्वेलरी आपकी तरफ से। हाँ। फिर इनका घर बस जाएगा। हाँ। फिर बच्चे होंगे। हाँ। एक नहीं दो नहीं दर्जन होंगे, पूरे दर्जन हो जाएंगे। हाँ। हाँ। फिर ऐसी गरीबी में काट लेंगे। हाँ। जिंदगी साथ में। हाँ। बोलो ना बेटी। हाँ। हाँ, हाँ, चलिए बोला। फिर भाग गया साला। देखो गुन, हम क्या? हाँ भाई, क्या कह रहा था? बहुत सही। अच्छा एक बात बताओ, ये आइडिया कैसे आया तुम्हारे पास? है? अरे ये बात तो हमने आज तक किसी को नहीं बताई मुरारी। तुम्हें बताते हैं, पिताजी की रद्दी की दुकान थी और उनकी किताबों का धंधा हम स्कूल में चलाते थे।
फोटो दिखाओ अच्छा ये ले। और पैसे कमाओ। एक रुपए में सिर्फ टांगे ही दिखेगी। अरे इस बीच हमें प्यार हो गया सृष्टि से। छोड़ो हमें। हम नहीं छोड़ेंगे। कह रहे ना छोड़ो। कहा ना हमने, हम नहीं छोड़ेंगे। पापा से बोल देंगे। बोल दो, लेकिन I love you तो तुम्हें पहले बोलना ही पड़ेगा। आ, आ, आ। जोश में आके हमने उसकी मांग तो भर दी, पर साला पूरी रात सो नहीं पाए, यही सोचते रहे कि कल सुबह क्या होगा। ये लो, खोदा पहाड़ और निकली चूहिया। आपका डब्बा, खा लेना। उसकी खून भरी मांग हमारी ऐश भरी जिंदगी बन गई। तब जाके समझ में आया कि धंधा यही सही है। रुको। चुटकी भर सिंदूर और नौकरी की टेंशन हमेशा के लिए दूर। हमने तो उसी वक्त डिसाइड कर लिया कि भाई आई लव यू नहीं कहेंगे, आई वॉन्ट टू मैरी यू कहेंगे। बहुत घड़ियाल आदमी हो तुम गुरु, बहुत घड़ियाल आदमी। मतलब हम तुम्हारी लेंगे लेकिन जिम्मेदार है। हा? कोई जिम्मेदारी नहीं लेनी है। बस थोड़ा माल जमा कर ले, उसके बाद विदेश शिफ्ट हो जाएंगे। और जाओगे कैसे? चंदा यादव के दिए 15 दिन में से एक तो हवा हो गया और माला देवी ने दिखा दिया अंगूठा। तुम हमें जानते कहाँ हो मुरारी, हम आज भी वो अंगूठा चूसने वाले जिद्दी बच्चे हैं। ये जाएगी तो कोई और आएगी, वो जाएगी तो कोई और आएगी। कलाइयों की कमी है क्या हमारे देश में है मुरारी? हाँ, बहुत टैलेंटेड हो ये हुई ना बात। अरे मुरारी, एक पैक से दूसरे पैक के बीच में ज्यादा डिस्टेंस नहीं होना चाहिए। दौड़ाओ गाड़ी, दौड़ाओ। अब गुरु गाड़ी तो तब दौड़ाए, पहले गाड़ी की चाबी तो हाथ लगे। चाबी से याद आया मुरारी, कोई मालदार लौंडिया की तिजोरी की चाबी अगर मेरे हाथ आ जाए मजा आ जाएगा। लगेगी गुरु, जरूर लगेगी। हाँ यार, हाँ लग गई गुरु। अरे 15 दिन का वक्त तो लिया था ना तुम्हारी जिज्जी से। हाँ लिए थे, लेकिन वक्त देते वक्त जिज्जी जी कहना भूल गई थी कि तुमको उनके दरबार में रोज हाजिरी लगानी है। हाजिरी? क्या हाजिरी? अरे हाजिरी जज्जा, जैसे भगवान के दरबार में रोज मत्था टेकते हैं ना, वैसे हमारे जिज्जी के दरबार में रोज मत्था टेकना एक बार। अरे हम तो अलग अलग शहरों में जा रहे हैं, रोज रोज हाजिरी कहाँ से लगाएंगे? अरे अब हमें जे ना पता जज्जा, उनने बोली सो हम आ गए। ठीक है, तुम फोन लाओ जिज्जी को, मैं बात करता हूँ। अरे ये क्या बात हुई यार? हाँ जी जी जी, आना कहानी कर रहे हाजिरी में। क्या जी? जी 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 जी, चलो हाजिरी तो ना हो पाएगी, लेकिन तुमको एक सेल्फी रोज हम दोनों को भेजना होगा, एक जिज्जी को और एक हमको। सबसे पहले अपने प्यारे साले के साथ खिंचवा सेल्फी। आ जाओ रे। हाँ बस क्या, हाँ क्या? क्या क्या भूले मुरारी, सुनीता श्रद्धा दोनों का खाता तो बंद हो गया, 2 करोड़ का नुकसान अलग हो गया, ऊपर से चंदा पीछे वाले पे बंदूक लेके बैठी हुई है। साले जिस खेल के हम बादशाह थे, आज के जोकर बन के बैठ गए। एक बात बोले गुरु, तुम्हारी कुंडली में 7.5 लग चुकी है। कितनों की जिंदगी बिगाड़ी है, खुद का भी तो कुछ बिगड़ेगा ना। क्या बिगाड़ी? अरे मैं क्या, जिसके बारे में मालूम नहीं उसके बारे में बोला मत करो। क्या बिगाड़ी है? अरे किसी की शादी नहीं हो रही थी, किसी का आशिक भाग गया था, कोई डिवोर्सी, इनको जीने का मकसद दिया है हमने, समझे? इसके बदले में 4 पैसे ले लिए तो क्यों सुलगती है लोगों की? मुफ्त में तो कोई थप्पड़ भी नहीं मारता, हम तो सारे खुशियां बांट रहे हैं। बात करते हो बिगाड़ी। पर उनको एक बात बता, सच्ची सच्ची बोलना, तुम्हें इतनी मिली जिंदगी में, इतनों के साथ रहे तुम,
कभी प्यार नहीं हुआ किसी से? मुरारी ये प्यार जो है ना, बड़े बड़े सुरमाओं को बर्बाद कर चुका है। ये गलती मैं नहीं करूंगा, कभी नहीं करूंगा। तो अकेले रह जाओगे गुरु? हॉस्पिटल? मुझे तो कोई तकलीफ नहीं, हॉस्पिटल क्यों आए? मुझे मेरे सीने में दर्द हो रहा है, मेरे मुझे हार्ट अटैक आया है। अब 5 मिनट पहले तो ठीक था तू। अरे चल ना मुरारी। बस 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 बस, आए बहुत दर्द हो रहा है। आज सुबह नाश्ते में क्या खाया आपने? डॉक्टर साहब नाश्ते में तो ब्रेड पकौड़ा खाया था मैंने। ये सब कोई खाने की चीज है आपको? ऐसे में सलाद खाना चाहिए, टमाटर खाइए, खीरा खाइए। डॉक्टर साहब यार, आप तो डॉक्टर से सब्जी मंडी होते जा रहे हो, एक आध गोलियां दे दो, सब्जियां क्यों बेच रहे हो? डॉक्टर साहब आप इसकी बात सुनो, देखो मुझे लग रहा है मेरे को बहुत तेज वाला मेजर हार्ट अटैक आ रहा है। अबे तुझे कुछ नहीं हुआ है, हार्ट अटैक वार्ट अटैक गैस हो गई है, 2-4 पाद मार ठीक हो जाएगा। अरे पाद मारने से सब चीजें थोड़ी ना ठीक हो जाती है। अरे पाद मार के अगर तुड़िया ठीक हो जाती तो और कोई पदौड़ा हो जाता ना डॉक्टर साहब। आप देखो इसको अच्छी तरह से। ठीक ठीक देखता हूँ। क्या मैडम, आप भी 2 करोड़ की रट लगाए बैठी हो? सारी दुनिया की दौलत ला के रख दोगी ना तो भी आपके पति नहीं मिलेंगे। अरे मर चुके होंगे वो। भगवान के लिए ऐसा मत कहिए, आप एक बार फिर से पता तो कर ही सकते हैं ना। मैडम 500 फीट ऊपर से गाड़ी नदी में गिरा है, जब गाड़ी निकाला तो उसका कचूमर कचूमर हो गया था। अब गाड़ी नहीं बची है तो आपके पति क्या बचे होंगे? अब तक तो लाश न जाने कहां निकल गई होगी। आप दिलासा रखिए और अपने आप को संभालिए। जुगनू का पीछे वाला और भोला की किस्मत कभी भी चमक सकती है। नमस्ते पायल जी, बड़ा दुख हुआ बद्री जी के बारे में सुनकर। हम आपसे ट्रेन में मिले थे, वो ठंडी चाय कॉफी। भोला जी? जी, एक ही मुलाकात हुई बद्री जी से, बेचारे बड़े ही नेक इंसान थे वो। आप चिंता ना कीजिए, सब ठीक हो जाए। हम आपका दुख समझ सकते हैं, पर आप चिंता मत कीजिए, हम हैं ना। विदेश जाने की टिकट का इंतजाम तो हो गया, अब चलो भोला से राणा भोला प्रताप सिंह बन जाते हैं। चाहिए? पायल जी। आप कौन? राणा भोला प्रताप सिंह, कुछ फल लाया था उनके लिए, आप अगर दे दें तो। आइए। नमस्ते। वो कश्मीर में हमारे कुछ बाग हैं तो सेब आए थे, तो मैंने सोचा आपके लिए ले आऊं थोड़ा सा। अरे भोला जी, इसकी क्या जरूरत थी, आप बैठिए। थैंक यू। तो कैसी हैं आप? ठीक हैं। सॉरी एक मिनट।
हेलो भोला जी। हाँ बोलो। सुनिए ना, 3-4 दिन हो गए हम आपको तगड़ा वाला मिस कर रहे हैं। देखो हम कहीं बैठे हैं, बाद में आराम से फोन करेंगे। अरे ऐसे कैसे, पहले जूमी दीजिए फिर हम फोन रखेंगे। कहे ना कहीं बैठे हैं, आराम से फोन करेंगे। कहे ना पहले चुम्मा दीजिए फिर ही फोन रखेंगे। ओके बाय। वो दांत में कुछ अटक गया था, सेब खाए थे। कुछ खा लो बिटिया, कल रात से कुछ भी नहीं खाया है। अरे आपने कुछ खाया नहीं, ये तो बहुत गलत बात है। आप बैठिए हम आपके लिए लाते हैं। हाँ नीचे खाइए। नहीं, हम जानते हैं किसी के बिना जीना कितना मुश्किल होता है, लेकिन अपना गुस्सा खाने पे क्यों उतार रही हैं? खा लीजिए ना प्लीज, नीचे खा लीजिए। बस। अरे बस कैसे, अभी तो पूरा खानदान बाकी है। ये तो सिर्फ नानी का था, नाना बाकी है, दादा बाकी है। हम स्कूल में बच्चों को ये सब कह के बहलाते हैं। आप टीचर हैं? हरकतें तो आपके बच्चों जैसे। लीजिए खाइए। बोला जी, हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं। ये हमारी आखिरी मुलाकात है। हम नहीं चाहते कि कोई हम पे सवाल उठाए जिसकी वजह से पत्री जी की आत्मा को कष्ट पहुंचे। आप प्लीज घर मत आया कीजिए। आप कहते हैं तो मान लेते हैं, हम भी आपकी तकलीफों का तमाशा नहीं बनाना चाहते। चलते हैं, ख्याल रखिएगा अपना। ए मुरारी, ये क्रिमिनल केस है कि दशहरी नौटंकी? भेस पे भेस बदलवाए पड़े हो, अब पकड़े के भोला को? पकड़ तो लिया ही हमने उसको, अब तो बस निचोड़ना बाकी है। सुनो बेटा, तुम्हारे सूखने का वक्त आ रहा, निकल लो, आ रहा पीछे से। हाँ क्यों भोला, राणा प्रताप सिंह चंदा जी के दिए हुए 15 दिनों में से 6 दिन तो हवा हो गए, और वो रिवाल्वर रानी मुंह से जबान कम चलाती है, बंदूक से गोलियां ज्यादा चलाती है। कुछ करो यार, सबका जुगाड़ हो जाएगा। चंदा की वार्निंग का, पायल जी के साथ गुड मॉर्निंग का। गुरु हम यहाँ कर क्या रहे हैं? मौके की तलाश कर रहे हैं मुरारी। तो भाई आ जा, मौका तो बता देना यार मेरे को। हमारे पैसों का क्या हुआ? कैसी बातें कर रहे हैं? किस बात के पैसे? कुछ हो रहा है क्या? हाँ एक गुंडे जैसा बंदा है वहाँ पे, लगता है धमकियां दे रहा है उसको। अरे तो गुरु तुम कर क्या रहे वहाँ पर बैठे बैठे? मौके की तलाश कर रहे हैं, वो धमकी देके चला जाएगा तो हम चले जाएंगे वहाँ पे। पागल हो गए हो क्या? जाओ जाके 4 चमाट मारो, बन जाओ लड़की के सामने हीरो। हमारे माथे पे क्या लसेंड लिखा हुआ है?
अरे पैसे दे। ओ भाई साहब क्या चल रहा है? दामाद हो क्या घर के जो हिस्सा चाहिए? कौन है बे तू? कौन है बे? कंटाप सिंह है हम। हो गया इंट्रोडक्शन, निकल अभी यहाँ से। ये जो नए कुत्ते पाल लिए हैं इनके दम पे ज्यादा उड़ो मत। निकल। साले। कौन था ये आदमी? पता नहीं, वो कोई गुंडा था। बद्री जी रहे नहीं ना तो हम पे अपनी धौंस जमा रहा था। अगर ये उधारी सच की होती ना तो हम पैसा उसके मुंह पे मारते, लेकिन हमें भी आदमी गलत लग रहा था। माफी चाहते हम यहाँ पे आना नहीं चाहते थे। हम यहाँ से गुजर रहे थे, ये मैटर देखा तो अपने आप को रोक नहीं पाए। हम जा रहे हैं। भोले जी आप अंदर नहीं आएंगे? अब आप कह रही हैं तो फोन जरा सॉरी आप फोन ले लीजिए, मैं चाय बना के लाती हूँ। जी शुक्रिया। कैसी हो जाने मन? दिल कर रहा अपने होटो पे ना फेविकॉल लगा के तुम्हारे होटो से चिपक जाऊं। बड़ा मिस कर रहे हैं यार तुमको। बड़े वाले डॉगी गैंग के भाऊ भाऊ ये ना गंदी गंदी बातें करके ना सारा गुस्सा छुड़ा देते हो आप। और आज ना मेरा बर्थडे था और आपने तो मुझे विश भी नहीं की। अब क्या करूं, मेरी घड़ी जो खराब हो गई है। अरे पापा को कह के ना वो नई रोलेक्स जो आई है वो दिला दूं ना, गोल्ड वाली। हैप्पी बर्थडे। अच्छा सुनो, अब वो बोलो ना जो मुझे पसंद है। मेरे गोलू, मेरे मोटू, बाजी बाजी, मेरे बच्चे। अच्छा हम चलते हैं। बाय बाय मेरा बच्चा। बाय। बच्चे बहुत पसंद है आपको? हाँ, मेरे दोस्त की बेटी है, बहुत शैतान है लेकिन बहुत प्यार करती है मुझसे। आप इतने अच्छे इंसान हैं, कोई भी आपसे प्यार करेगा सिवाय आपके। खैर चलो, आपने हमें अच्छा इंसान तो मान लिया। हमने आपको घर आने से मना किया, उसके लिए हम माफी चाहते हैं। जिस समाज के डर से इतने अच्छे दोस्त का दिल दुखा, उस समाज ने हमें क्या दिया? क्या देख रहे हैं? कुछ नहीं, बस वो बताओ गुरु, रोज सुबह सुबह पाल जी के घर के चक्कर के प्यार व्यार तो नहीं हो गया तुम्हें उनसे? ये प्यार मुझे? जी हैं? कोई नहीं आया सर, आज छुट्टी है। आज छुट्टी। ये पाल जी कैसे गायब हो गई हैं? जैसे हवा में पाल। और कोई उदाहरण नहीं दे सकते? अच्छी खासी शरीफ खूबसूरत लड़की है, इज्जत दो, गन से जोड़ रहे हो। ये रही है, मास्टर जी को कुछ भी बोलो मास्टर जी की सुलग जाती है। मुरारी। हाँ आ रहा हूँ। गहने की दुकान में पता करता हूँ मैं, शायद यहाँ आई हो। अब कर लो यार। भोला जी
हाँ आस्ता बोलो। इस वक्त कहाँ पर हो? सरकारी दफ्तर में। तुम कहाँ हो? वो कल करवा चौथ है ना, उसके लिए शॉपिंग करने निकली हूँ। ठीक है मैं बाद में फोन करता हूँ। ठीक है ओके बाय बाय। तो ये है तुम्हारा सरकारी दफ्तर? क्या कर रहे हो यहाँ? अरे चुप क्यों हो, कुछ तो बताओ। मैंने कहा था यहाँ नहीं आने को, यही मार्केट मेला था, पकड़े गए ना हम लोग। चुप करो, क्या कर रहे हो यहाँ? तुम रंगे हाथों पकड़े गए तो सच तो बोलना ही पड़ेगा। कल करवा चौथ है ना, इसीलिए तुम्हारे लिए एक सरप्राइज गिफ्ट लेने गए थे। खैर अब सरप्राइज तो रहा नहीं। एनीवे ये मुरारी जी, ये हमारे पार्टनर। नमस्ते नमिता जी। आपका नाम नमिता होता तो कितना अच्छा होता ना, बहुत सूट करता आपको। तुम नामों में बहुत गलतियां करते हो। अभी तुम जिस इन्हें जब भी मिलोगे भाभी बोलिएगा। नमस्ते भाभी जी। नमस्ते। नमस्ते। अच्छा सुनो ये सब छोड़ो, वो सरप्राइज क्या है? हाँ ये अंगूठी तुम्हारे लिए, अच्छी है ना? बहुत अच्छी है। तुम बहुत डाइटिंग कर रही हो, तो बहुत ढीली है, देखो कितनी पतली हो गई उंगलियां। इसकी मैं सही तरह से फिटिंग करा के कल ले आऊंगा। ठीक है अब हम जा रहे हैं, बहुत जरूरी काम है ना। कल आओगे ना? जरूर आएंगे, क्यों नहीं आएंगे। और तुम हमारे लिए वो बना के रखना। क्या? वही जो हमें बहुत पसंद है। क्या मूड? हम कल आते हैं। हाँ तुम चलो अभी, ठीक है? पक्का आइएगा। हाँ आ जाएंगे। नमस्ते। नमस्ते भाभी जी। इसकी बहन से क्यों शादी? का जच्चा है बगीचे में तितलियों के साथ फूल खिला रहे? बगीचा तितली फूल मैंने तो नहीं देखा। कौन है ये? बेटी है इनकी। तो तुम कहे गले चिपक रहे थे भैया? भाई मानती है ना, बहुत प्यार करती है। कल करवा चौथ है, सोचा उसको एक नई सी अच्छी सी छन्नी दिला देंगे। और जब अगले वाली मैडम, उनकी क्या स्टोरी है? वो पीडब्ल्यूडी में काम करती है, टेंडर तो वही पास करा रही है। देखो जज्जा, ऐसा है कि टेंडर पास फेल तो हम जानते हैं, लेकिन तुम टाइम से वापस ना आए ना तो जज्जी तुमको जरूर फेल कर देंगे। हम तो एक बार माफ भी कर दें, लेकिन जज्जी का दिमाग फिर गया ना तो सीधे गोली मारेंगे धार। और तुम आजकल जो सेल्फी कहीं नहीं भेज रहे हमको, अब हर शहर में हमारा आदमी है, कहीं भी खिंचवाओ और हमें भेज दो। यही दिक्कत है जीजा, तुम सुनते नहीं हो, भयंकर कुटोगे एक आध दिन हमसे। अरे फोन जीजा है मेरे। चलो आप इधर आओ, दांत दिखाना अच्छे से, बोलो चीज। एक पायल जी को छोड़ के ना बाकी सब मिल गए यहाँ पे। पायल जी कहाँ मिलेगी यार, ऊपर वाला जाने। जी भोला जी, हर हफ्ते हम बनारस जाते हैं अपने एनजीओ के काम से। यहाँ वैसे भी बद्री जी की बहुत याद आती है। यादें भी कितनी एहसान फरामोश होती है ना, जिस दिल में रहती है उसी दिल को दुखाती है। एक बात कहें, जिंदगी में पहली बार हम इतने कमजोर पड़ गए हैं। बात अगर दिमाग की होती तो उसे समझा भी लेते, लेकिन ये तो दिल की बात है, इसे कैसे समझाएंगे?
बोला जी, हम दोस्त हैं, सिर्फ दोस्त। हम आपके लिए कुछ खाने को बना के लाते हैं। दमयंती को बोल दो ना, घर पे कोई नहीं है। कोई बुला रही? हाँ। अभी तू क्या कर रहा है बे? जाना। अरे तो बना के ला तो रही है। वो मेरे लिए बना के ला रही है, तेरे लिए नहीं। हाँ नहीं, अभी ठीक है। हाँ ठीक है। हाँ मगा। नमस्ते। कैसा लगा भोला जी? आप जब सामने होती है ना, सब अच्छा लगता है। देखिए, आप हमसे ऐसी बातें मत। क्या हुआ? डिस्टर्ब किया क्या तुमको? नहीं नहीं, लगे रहो। चलो चलो, लगो। छीन लिया ना हमारे पति को? छीन लिया ना? मैं इसको लेके जाता हूँ। लेके जाओ, लेके जाओ। बोला जी। अबे ये क्या क्या बोला रही? लेके जा रहा हूँ, सॉरी। ऐसे? अरे यार, छी 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 छी। भद्री जी की दो दो पत्नियां। ये आप क्या कह रहे हैं भोला जी? जायदाद का वादा किया होगा उससे, और सारी जायदाद आपके पास चली गई। बौखला गई बेचारी। मेरे पति ऐसा नहीं कर सकते। ये तो आपकी पत्नी थी ना? मैंने तो कहा था ना मैं कुंवारा हूँ, मेरी शादी नहीं हुई है। भद्री जी ऐसा नहीं कर सकते। बोले जी, आपको बहुत दर्द हो रहा होगा ना? हाँ। आपने हमारे लिए अपनी जान तक दांव पे लगा दी। जिसे जिंदगी मान चुके हैं, उसके लिए मरना पड़े तो वो तो हमारी खुशनसीबी होगी ना? बोला जी, आप बार बार ऐसी बातें मत कीजिए। आप जानते हैं ना कि हम भद्री जी की विधवा हैं। भद्री जी आपके कल थे, हम आपके आज और आने वाला कल हो सकते हैं। आप हमारी क्यों नहीं बन जाती? भगवान कसम, बहुत खुश रखेंगे आपको। सच कह रहे हैं। अरे बद्री जी ने तो आपके हिस्से की भी खुशी किसी और को बांट दी थी। हम तो बस सिर्फ और सिर्फ आपके होकर रहेंगे। बार बार वही बातें। हम आपके सामने हाथ जोड़ते हैं। इस दोस्ती के रिश्ते को कोई और नाम मत दीजिए। बस आज नहीं सुनेंगे हम आपकी। थक गए अधूरी जिंदगी जीते जीते, थक गए दोस्ती निभाते निभाते। अरे प्यार करते हैं हम आपसे, अगर आज हम रुक गए ना तो बहुत पछताएंगे, और हम पछताना नहीं चाहते। एक सही लड़की की तलाश में जिंदगी भर ये अंगूठी जेब में लेके घूमते रहे, ये मेरी मां की आखिरी निशानी। अपनी बहू की उंगली में देखना चाहते थे। हमने आपको अपना मान लिया, आप भी अपने आप को हमारा क्यों नहीं बना लेती? उंगली दिखाइए, पहन लीजिए। हम कुछ नहीं सुनेंगे। आप बंद रोके, आपके हाथ जोड़ते हम मर जाएंगे वरना। भोला जी, ऐसा मत कहिए, आपको हमारी उम्र पे लग जाए। अपनी उम्र देने को तैयार हो, हाँ, लेकिन अपना साथ नहीं दे सकती। भोला जी, पायल जी, ये क्या किया आपने? भोला जी ये गलत है, ये पाप है। एक विधवा से शादी करना हजार गरीब कन्याओं की शादी करने के बराबर होता है। अगर अगर हमारा सच्चा प्रेम पाप है तो हम ये पाप करने को तैयार हैं। बोला जी, हम ये नहीं कर सकते। बोला जी, प्लीज। क्यों रोक रही हो खुद को? हाथ जोड़ते हैं तुम्हारे, एक बार हमारी हो जाओ। देखिए बद्री जी भी कितने खुश लग रहे हैं, वो भी चाहते कि आपको आपके हिस्से की खुशी मिल जाए। बोला जी ये गलत है। सिर्फ एक बार की इजाजत मांग रहे हैं। 35 की उम्र हो गई और बिल्कुल कोरा कागज है। प्लीज पायल जी, एक पप्पी लेने दीजिए प्लीज। बस कीजिए बोला जी। क्यों मत कीजिए? अच्छा पप्पी कैंसर, गले लगा लीजिए।
भोला जी जिद मत कीजिए। जिद क्या कर रहे हैं, रिक्वेस्ट ही तो है ये छोटी सी। ये गलत है। लग तो सही रहा है ना। देखो हम दोनों ऑटोमेटिक गद्दे बिगड़ गए, भगवान भी यही चाहते, भगवान को ना मत करो। अच्छा, हम आपको देख देख के काम चला लेंगे, आप ही को देखेंगे बस, और कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ आपको देखते रहेंगे हम। ये ठीक नहीं हुआ, हम विधवा हैं भोला जी, और हमारे पीछे हमसे वादा कीजिए आप हमसे शादी करेंगे, हमारी मांग भरेंगे, हमें छोड़ के कभी नहीं जाएंगे। वाह भाई वाह, रात का भूला अगर सुबह घर वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते, उसे भोला कहते हैं। क्या बात है गुरु, बड़ा थके हुए लग रहे हो, सब खैरियत? भाई जी मुझसे शादी करना चाहती है। भाई मुबारक हो, यही तो तुम चाहते थे तो करो। अरे मैं नहीं चाहता यार, मैं शादी नहीं करना चाहता। मतलब प्यार हो गया मुझे उससे। जिससे प्यार हो जाए मुझसे शादी नहीं कर सकता यार, सब गड़बड़ हो जाएगा। सुन सुन सुन, इसको छोड़ देते हैं यार, कहीं और चक्कर चलाते हैं। अरे क्या चक्कर चलाते हैं यार, मतलब क्या टाइम कहाँ है हमारे पास? देखो देखो तुम बहुत कंफ्यूज हो रहे हो यार, मेरी बात सुनो। देखो टाइम नहीं है हमारे पास, ये चंदा जी को होश आया तो गोली मार देंगी वो हमें। अरे तुम्हें प्यार कैसे हो सकता है यार? हो गया यार। अरे गुरु हो तुम हमारे, मैं कह रहा हूँ कॉन्फिडेंस लूज मत करो, शादी करो, पैसे बटोरो, निकलो यहाँ से यार, चारा नहीं है गुरु हमारे पास। ये क्या है यार? सॉरी दूध फट गया था थोड़ा। मुरारी सूट सिलवा ले तू, काम पे चलते हैं। आगे हो जाइए ना। इससे कैसे कर ली? खुद को देखा है कभी? तुम सब चौकन्ने रहो, ठीक है? अरे मुरारी भैया, ये दूल्हे राजा बीच में उठ के कहाँ चल दिए? अरे गए होंगे पंडित, हल्के होने, ऐसे वक्त में प्रेशर बढ़ जाता है ना। आपके मंत्र खत्म हो गए क्या? जी नहीं। तो भैया हमारा प्रेशर काहे बढ़ा रहे हो, पढ़ो ना मंत्र यार। भावातीतम त्रिगुण रहित कब पकड़ेंगे भूला को, कौन बात का इंतजार है? इंतजार था बादशाह की 12 रानियों के आने का, आ गई ना सबकी सब। बुला के लाओ साले को, अब घोलते हैं तरफ का इक्का। क्या बात है,
भगवान कसम पायल जी, अगर आपसे सच्चा प्यार नहीं किए होते ना तो शादी कर लेते, पर क्या करें, प्यार हो गया है हमें। मुरारी भाग गया तुम्हारा फौट सैया, समझ में नहीं आ रहा है, चिल्ला रहे हो तुम, मैंने चुप नहीं रह सकते हो क्या? क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं हुआ, वो आ रहे हैं, आपके बोला जी अभी आ रहे हैं। झूठ मत कहिए, आपको सच सुनना है तो सच ही है पायल जी कि आपके बोला जी घर से चंपत हो गए? झूठ कह रहे हैं आप। अच्छा है भाई, आपको सच भी सुनना है लेकिन सच मानना नहीं है। आओ जाके पकड़ो उसे। हाँ सर, बस निकल रहे सर, ये चलो गाड़ी में बैठो। आंसू पोछ दीजिए पाल जी, देखिए कौन आया है। कहाँ नहीं ढूंढा आपको, कुछ पता नहीं चला, कुछ भी नहीं, कहाँ चले गए थे आप हमें अकेला छोड़कर? तुम्हारे पतियों की बारात जुटाने के लिए गया था। आधा दर्जन मिले इतने ही है या हमें इतने मिले? इससे तो अच्छा होता कि तुम मर ही गए होते। पर मरते कैसे, एक्सीडेंट रख ली था। बिल्कुल आपकी तरह पाल जी, बड़े सारे केसेस हैं आपके ऊपर, 6 शादियां, 6 घरों में डाका, पुलिस 8 महीने से ढूंढ रही है आपको, बड़ी मुश्किल से हाथ में आई आप। 6-6 पति, 6-6 पति है तेरे, शर्म नहीं है तुझे? अरे भोला जी आ गए। पर भैया इतना गरम काहे हो रहे हो, तुम्हारी भी तो 12-12 बीवियां आई हुई हैं तुम्हारे स्वागत के लिए, मिलिए। बीवियां? जी हाँ पाल जी, इनसे मिलिए या आप ही की प्रजाति के। और तू क्या हंस रहे, पार्टनर हो ना तुम दोनों, एक ही थाली के चट्टे बट्टे। चट्टे बट्टे कुछ नहीं है, समझ गई, मेरा नाम है ML84, मैं हूँ प्राइवेट डिटेक्टिव, आपके पति लेके आए थे आपकी जासूसी करने के लिए, समझ में आई बात? मुझे मालूम था साले तू धोखा दे रहा है मुझे। ये शक मुझे तब हुआ था जब मैंने तेरे मुच्छड़ पुलिस वाले को वो घाट पे देखा था। अबे मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था, मेरे पीठ पे क्यों छुरा भोंका तूने? छुरा नहीं भोंका, मैं ड्यूटी पे था अपनी, तुम्हारा पीछा करते करते जा रहा था ट्रेन में, तब इनसे मुलाकात हुई, तभी समझ में आ गया था तुम दोनों को एक साथ पकड़ना पड़ेगा, इसीलिए मिलाया था मैंने तुम दोनों को हॉस्पिटल के अंदर, समझ में आया? अरे अरेस्ट करो यार इसे, बाप का राजा, अरेस्ट करो तू, बैठ यहाँ पे, बात खत्म नहीं हुई हमारी।
रिश्तों में ना कमिटमेंट नाम की भी कोई चीज होती है। ओए तू तो ऐसे बोल रहा है जैसे तू कमिटमेंट का सलमान खान है, और नाम देख राणा भोला प्रताप सिंह जैसे कोई 250 रियासतों का मालिक हो, फ्रॉड साला। तो तू कौन सी कॉर्पोरेट जॉब में? मैंने तुझे इन लोगों की तरह शरीफ समझा था, तू तो मेरी तरह कमीनी निकली। अब इतना सड़ क्यों रहा है, इतनी तकलीफ थी तो वापस क्यों आया? पागल कुत्ते ने काटा था मुझे। कमाल है, आजकल कुत्ते भी कमीनों को काटने लगे। कमीनी तो तू है जो मेरे दिल मेरे जज्बात से खेल रही है। और जो तूने हमारे साथ कांड किया वो कांड नहीं था, प्यार था, वो इश्क, समझी, जो तुझको लाइफ में नहीं हो सकता। क्यों इश्क है सिर्फ तेरे घर की बबौती? अरे हमें भी हुआ है प्यार साले तुझसे। चलो गिरफ्तार करो इन्हें। क्या यार मुरारी, कितना बढ़िया रोमांटिक झगड़ा चल रहा था इन दोनों का, मजा आता सॉलिड वाला, तुमने सब बंद करा दिया। चल बोला, बैठो बैठो सब। अगर किसी ने मुझे रोकने की कोशिश की तो लड़की को गोली मार दूंगा। अच्छा एक काम कर बोला, तू इसको गोली मार ही दे। क्या मैं 6 साल के लिए जेल जाने वाला था, अब तू उम्र कैद के लिए जाएगा। चल मैं गिनता हूं 3 तक, तू गोली मार। 1 2 3 मार। तेरे को मारता हूं साले। मुझे? साले दगाबाज दोस्त को गोली मारेगा तू? दोस्त आस्तीन के सांप। बोला मेरी बात सुन, देख मैं क्या कह रहा हूँ। मेरी बैग ले और भाग जा यहाँ से। क्या कर रहा है बोला, तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? चल बोला। अगर प्यार सच्चा है ना तो हम जरूर मिलेंगे। तू जा यहाँ से, भाग। बोला भाग जाएगी, मैं भाग। मुरारी रुक जा वहाँ पे। भाग गई ना, अब ये वापस आने वाली नहीं है। मैं पहले समझा। इसमें इतना कोई खुश होने वाली बात नहीं है बोला। देख मेरी बात सुन, बंदूक छोड़ दे यार। देख मेरी बात, तू पागल हो गया क्या? अरे पपलो इस गंगा ही भागने ना पाई है। फेक इरादों की और झूठे वादों की देता है ये गोलियां। मोल्डन मजनू है, लसंत जुगनू है, दिल ले जाए डोलियां। एक अंगूठी है 100 उंगलियां, चलो राणा भोला प्रताप सिंह, जमानत हो गई तुम्हारी। सोच रहा हूं कि तुझ जैसा घटिया आदमी मेरी जमानत क्यों कराएगा? देखो गुरु, तुम्हें पकड़वाया था वो हमारा काम था, और तुम्हें छुड़वाया है वो हमारी जरूरत है। अब क्या जासूसी में पैसे तो है नहीं, बद्री जी ने जो वादा किया था उसमें से TDS काट लिया और बाद में सर्विस टैक्स और लग गया। तो मुझे क्या अपना टैक्स भरने के लिए बाहर निकाला है? जितने पैसे थे वो तो लेके भाग गई वो। हाँ भाग तो गई, पर पाल जी जो है ना, नाम मत ले उसका। 7 दिन से सड़ रहा हूँ यहाँ पे, पूछने तक नहीं आई मुझे। गलती की उससे प्यार करके मेरे सामने आ जाना, बाय गॉड कसम गला। दबा दो गला। वैसे जमानत इन्होंने ही करवाई है तुम्हारी, हाँ? और हमें कमीशन दिया तुम्हें बाहर निकलवाने के लिए। चलो गुरु, अब तुम्हारी हमारी पिक्चर का तो हो गया दी एंड।
शादी कर लेते हैं। हमारी शादी तो होती रहेगी। नासी की एक बहुत बड़ी पार्टी है, पति बीमार रहता है, बीवी जवान है, बोल शादी करेगा? क्या सोच रहा है भोला? सोच रहा हूँ तेरी एक फोटो निकाल लूँ मैं, बड़ी खूबसूरत लग रही है तू। हाँ वहाँ पे आना, थोड़ा पीछे थोड़ा पीछे, हाँ हाँ थोड़ा थोड़ा जाओ, थोड़ा और आगे आगे वो दीवार के पास थोड़ा घूम जा उधर, उस तरफ देख, बस उधर पलट जा, दीवार को देखती रहे और भूल जा मुझे। अरे यार मुरारी, मैं कभी कभी सोचता हूं कि मेरे मां बाप ने क्या सोच के मेरा नाम भोला रख दिया। शौकीन है दिल दिल की डीलिंग करना, इसकी तो रूटीन है। ब्यूटीफुल छोरियां बनाए, अपनी लव स्टोरियां सुनाए, पकड़ के चकड़ के ये मालदार भैया। फ्रॉड सैया, फ्रॉड सैया, फ्रॉड सैया, फ्रॉड सैया, फ्रॉड सैया, फ्रॉड सैया, हरलेगा दिल भाई गॉड सैया। Okay.